मोफत इंटरनेट देणाऱ्या कंपन्या नागरिकांची गोपनीय माहिती गोळा करून तिचा गैरवापर करतात. यामुळे पेटीएम कॅशलेस साठीचे व्यवहार करताना काळजी घ्यावी असं आवाहन सायबर तज्ज्ञ सचिन डेथिया यांनी केलं आहे. शहरातील एमपी लॉ कॉलेजद्वारे सायबर लॉ अँड सायबर सिक्युरिटी याविषयी एक दिवसीय कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष जे के वासडीकर होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आयकर आयुक्त एस डी श्रीवास्तव होते. या कार्यक्रमात मुख्य मार्गदर्शक म्हणून प्रख्यात सायबर क्राईम इन्व्हेस्टिगेटर सचिन डेथिया यांनी सांगितलं की देशातील प्रत्येक व्यक्ती आधार कार्ड धारक झाला आहे. त्याचा क्रमांक आणि अंगठ्याच्या ठशाच्या आधारे फोन आणि इंटरनेट मोफत देण्याच्या योजना कंपन्यांनी राबवल्या असल्यानं त्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर डेटा जमा केलाय. तो डेटा इतर कंपन्यांना विकून या कंपन्या पैसा मिळवतात. नागरिक व्हॉट्सअप फेसबुकच्या वापरातून गोपनीय माहिती, फोटो, बँक खात्यांची माहिती गुगलमुळे इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि हॅकर्स पर्यंत पोहोचवत असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर धोके निर्माण होत आहेत. तापडिया नाट्य मंदिरात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती होती. इसके अंदर एक टैब है सिक्योरिटी टिप्स. इस वेबसाइट के ऊपर हम जो लेटेस्ट फ्रॉड्स हो रहे उनसे बचते कैसे हैं उनके सारे टिप्स इसके अंदर डाल के रखे हैं. जैसे जीमेल की सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, आपका जीमेल का अकाउंट है, फेसबुक की सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर हैक हो जाता है तो उनकी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, या तो फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैक हो गया तो उसके बाद पुलिस में कंप्लेन कैसे फाइल करने का, या बैंक में जाके कैसे इत्तला करने की, वो जो स्टेप्स है वो पूरे हमने इस वेबसाइट के ऊपर डाल के रखे हैं. तो इसमें अभी के जो लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद जो इंडिया तेजी से ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो सभी ऑनलाइन के ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन साथ में हमें उनकी सिक्योरिटी भी गौर करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको सारे के सारे सिक्योरिटी टिप्स यहाँ पे मिलते जाएंगे और ये रेगुलरली हर 10-15 दिन में हम लोग अपडेट भी करते रहते हैं. और सभी युवाओं को ये एडवाइस देना चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बच कैसे सकते हैं. आप यंगस्टर जितने भी सेल्फी निकालते हैं वो आप फोटोज जिधर जिधर डालते हो तो आप एक बार जाके जरूर चेक कीजिए कि गूगल के ऊपर आपके फोटोज कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, पब्लिक में कितने इमेजेस आपके ऑलरेडी चले गए. और अगर कोई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट या डेटिंग वेबसाइट के ऊपर जाती है तो उसमें से निकालते हैं कैसे, और डेबिट कार्ड के फ्रॉड कैसे होते हैं, उनके प्रिकॉशंस कैसे लिए जा सकते हैं, अपना डेटा कितना और सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम प्रैक्टिकल माध्यम के थ्रू और एक सेमिनार के थ्रू इन सभी यंगस्टर्स को देना चाहते हैं. और आपका फोन का IMEI नंबर रेडी रख सकते हैं. सबसे बेस्ट आप ये देखिए कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक का टोल फ्री नंबर आपके मोबाइल के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि इमीडिएटली अगर आपको बैंक में से SMS आता है कि मेरे अकाउंट में ऐसा इतना फ्रॉड हुआ है, मेरे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में इतना, तो आप इमीडिएटली बैंक को तुरंत फोन करके वो ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर सकते हो या उनको मैसेज दे सकते हो और इत्तला कर सकते हो.